साथियों, आजकल हर दूसरा इंसान तनाव से पीड़ित है। लोग छोटी छोटी बातों के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि दूसरी कई जरूरी बातों पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। तनाव की वजह से आप किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाते। बढ़ा हुआ तनाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। तनाव क्यों होता है ये जानना जरूरी है। अगर वक्त रहते इस स्ट्रेस और चिंता को कम ना किया जाए तो इसका बुरा असर हमारी ऑफिशियल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। आज हम तनाव से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले तनाव क्या है इस बात को समझिए। जीवन में आने वाली सभी चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ और समस्याएं तनाव का कारण बनती हैं। हालांकि अगर किसी इंसान के लिए तनाव का स्तर इतना अधिक है कि उसे संभालना आसान नहीं है तो इससे शरीर में शारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं जिससे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं जो जीवन पर बुरा असर डाल सकती हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो तनाव को बढ़ाते हैं जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। तनाव की स्थिति में इन हार्मोन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। स्ट्रेस या तनाव होना आजकल सामान्य बात है। ये तब महसूस होता है जब हमारा किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है। टेंशन होने पर एड्रेनलाइन का उत्सर्जन हमारे शरीर में बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में दिल की धड़कन और मानसिक और शारीरिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तनाव लंबे वक्त तक रहे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम और हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बाहरी बीमारियों से निपटने की हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है। तनाव के ये लक्षण होते हैं: काम, बेरोजगारी, पैसा, अलगाव और कुछ अन्य कारणों से घर छोड़ना, पार्टनर से ब्रेकअप, नौकरी में बदलाव होना, बच्चों का घर छोड़कर जाना, आपका स्वास्थ्य और मूड, तलाक के कारण परिवार टूट जाना, नशाखोरी और ड्रिंक करना, बुरी आदतों का शिकार होना, हिंसा या बुरे व्यवहार का शिकार होना या फिर उधारी। समझ लीजिए, जब ये चीजें आपकी जिंदगी में भी होने लगे तो तभी व्यक्ति को तनाव का प्रबंधन करना आना चाहिए। विश्राम तकनीकों का अभ्यास तनाव से जुड़े लक्षणों को कम करने में मददगार है। ये बदले में उच्च रक्तचाप और विभिन्न दिल के रोगों जैसी तनाव प्रेरित स्वास्थ्य स्थितियों की घटनाओं को कम करता है। ध्यान का नियमित अभ्यास किसी व्यक्ति में तनाव के स्तर को कम करने में बेहद सहायक है। व्यक्ति को भविष्य में खुशी और सकारात्मकता की कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है। इस तकनीक का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका शांत मन, आरामदेह शरीर और आंखें बंद करके शांतिपूर्ण जगह पर बैठना है। रचनात्मक दृश्य तनाव से निपटने में मददगार हैं और चिंता और उदासी के प्रबंधन के लिए भी फायदेमंद है। बायोफीडबैक एक गैर दवा चिकित्सा है जिसमें किसी व्यक्ति में तनाव के शारीरिक पहलुओं की निगरानी करना और उन्हें कम करने और नियंत्रित करने के लिए सूक्ष्म तरीकों का उपयोग करना शामिल है। तनावपूर्ण स्थितियों में शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं जैसे हृदय गति में वृद्धि, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों में तनाव होना। आखिरकार निष्कर्ष ये निकलता है कि तनाव प्रबंधन तकनीकों का उचित उपयोग तभी संभव है जब कोई व्यक्ति तनाव मुक्त हो और इसे कम करने के लिए तैयार हो। तनाव के लक्षण व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और जीवन के अनुभवों के आधार पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। तनाव के लक्षण भावनात्मक, शारीरिक और व्यवहारिक हो सकते हैं। इन लक्षणों को सही समय पर पहचानने से किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिल सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।